सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग और आपका वापस स्वागत है एक और नई वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में और बहुत काम की वीडियो में, मतलब नॉलेज की वीडियो। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो स्लो मोशन में अपन जो वीडियो बनाते हैं वो इतनी ज़्यादा डार्क क्यों आती है और इतनी, मतलब जो क्वालिटी उसकी HD या फिर HD में रहती, फुल HD या फिर 4K में क्यों नहीं रहती। तो आज ही अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि क्यों नहीं रहती और मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, आप सबसे पहले सैंपल्स देखिए। सारे सैंपल्स एक 30 FPS का है, एक 60 FPS का, एक 120 FPS का है और एक 240 FPS का है, और उसके बाद आता है 960 FPS का है। मतलब तीन जो है 120, 240 एंड 960, ये तीनों स्लो मोशन वीडियोज है, और जो 60 FPS और 30 FPS है वो अपनी नॉर्मल वीडियोज है। तो आप पहले सैंपल्स देखिए। वीडियोस तो देख ही लियो, आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस आता है एक नॉर्मल वीडियो में और स्लो मोशन की वीडियोस में अगर आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता चल गया होगा कि जो क्वालिटी और जो लाइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों डिक्रीज हो जाती क्वालिटी और आपकी जो लाइटिंग है बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है काला काला हो गया है, चाहे आपने बिल्कुल प्रॉपर लाइटिंग दी है। तो रीज़न ये है कि जैसे कि आप हायर फ्रेम रेट्स में जाते हैं, जैसे कि आप 120 FPS पर गए, 240 FPS, 960 FPS, तो उसकी जो शटर स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती, इंक्रीज हो जाती है जैसे आप हायर फ्रेम रेट्स पर जाते हैं। अब शटर स्पीड क्या होती है? शटर स्पीड का मतलब ये होता है कि जो आपका कैमरा सेंसर है कितनी देर तक उस पर लाइट एक्सपोज होगी, मतलब कितनी देर तक उस पर जो लाइट है वो फॉल होगी। ये शटर स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। तो जितनी देर तक आपकी जो लाइट जाएगी उतनी देर तक आपका जो कैमरा सेंसर है वो लाइट कैप्चर करेगा उसके अंदर, और उतनी देर तक आपकी जो फोटो की क्वालिटी है या फिर फोटो में जो कितनी देर तक लाइट है सराउंडिंग्स की वो आएगी। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या होता है अगर जैसे आप हायर फ्रेम रेट्स पे आते हैं, जैसे 120 FPS, 240 FPS, 960 FPS और MI अल्ट्रा 11 अल्ट्रा 1920 वो तो उसको नहीं बोल सकते। तो अब इसका क्या रहता है, जो आप मान लो 120 FPS पे जा रहे हैं तो जो आपकी शटर स्पीड है वो उसकी डबल हो जाएगी, मतलब 1/240 हो जाएगी, मतलब इतनी ज़्यादा सेकंड कम हो जाएगी। 1/240 सेकंड कितना कम होता है आप सोच सकते हैं, मतलब एक सेकंड का 1/240 240वां हिस्सा, समझ सकते हैं कितना कम होता है। इतनी देर तक आपका जो कैमरा सेंसर तक लाइट जाएगी, तो आप समझ सकते हैं इतनी कम देर तक आपका जो कैमरा सेंसर है ओपन रहेगा तो लाइट कितनी कम आएगी उसमें, मतलब बहुत कम लाइट आएगी, और इसकी वजह से जो आपकी क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब लाइटिंग कम हो जाती है। और जो आपकी वीडियो क्वालिटी वो इसलिए डिक्रीज हो जाती है, उसका जो रीज़न है शटर स्पीड से ही रिलेटेड है। जैसे अगर आप वीडियो एक 960 FPS पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो उसकी शटर स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब 1/1920 हो जाएगी सेकेंड ऑफ सेकेंड, 1/1920 देख लो भाई बहुत ज़्यादा है। तो इसका रीज़न ये है, और जो लाइट है बहुत कम टाइम के लिए आपके जो कैमरा सेंसर है उसके साथ जाती है, तो उसकी वजह से जो आपका कैमरा सेंसर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेन कैप्चर करता है। ग्रेन मतलब छोटे छोटे डॉट, आप एग्जांपल देख सकते हैं जो नाइट में आप बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्स दिखेंगे, वो रीज़न होता है। और इसकी वजह से जो लाइट है बहुत कम आती है, इसलिए जो कैमरा सॉफ्टवेयर रहता है फ़ोन का वो डिक्रीज कर देता है अपनी क्वालिटी। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं हायर फ्रेम रेट्स पे, मतलब हायर FPS या फिर बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में, इसलिए आपकी जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब आती है और गंदी दिखती है। और जो लाइटिंग रहती है वो भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है अगर आप शूट करते हैं हायर फ्रेम रेट्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में। ऐसा आपको नोटिस भी दिया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइटिंग दे दीजिए उसको अगर आपको रिकॉर्ड करना है स्लो मोशन में। और जैसे आप जस्ट फ्लैश लाइट से इसलिए ऑन हो जाती है आप ऑटोमेटिकली अगर आप स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए रहती है सेंसर को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके। सो गाइस, यही था हमारा रीज़न कि क्यों अपनी जो स्लो मोशन की क्वालिटी गंदी आती है और लाइटिंग अच्छी नहीं रहती अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो वीडियो है समझ में आ गई होगी और आपको जो इसका ज्ञान है बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।